एग्ज़ाम में बचे हैं 12 घंटे, 12 12 में से अगर 9 घंटे पढ़ लेंगे, 9 घंटे अगर 9 घंटे पढ़ेंगे तो हर पार्ट को 3 घंटे दे पाएंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, हो जाएगा। एग्ज़ाम में 100 में से 85 का तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, 85 में 75 तक आ जाना चाहिए। 75 तक मतलब ग्रेड आएगा 8 से 8.5, मज़ा आ जाएगा बाय गॉड। चलो यार बहुत हो गया, बंद कर देता हूँ। ओह माय गॉड, ये बंदी ऑनलाइन है। चलो हाय भेज देते हैं, वैसे रिप्लाई तो आता नहीं कभी। हाय KKRH, अरे आ गया। अब लिखते हैं आर यू डन विद द प्रिपरेशंस। भाई आज तो लगता है किस्मत बन गई, बहुत रिप्लाई आ रहे हैं, लंबी गुफ्तगू होगी आज तो। हाँ भाई मग्गू, कर लिया तूने सारा? हाँ हाँ भाई, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, 2 घंटे पहले मैं सो गया था ना। चल बे झूठ मत बोल यार, देखा है मैंने, साला 3 घंटे से ऑनलाइन है भाई तू। हाँ भाई, तो 5 मिनट बाद उठ भी तो गया था ना, तेरा कितना हुआ? नहीं भाई मेरा तो घंटा कुछ नहीं हुआ है, एक ही पार्ट हुआ है अभी तक सिर्फ। मेरा तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, मेरा तो वो भी नहीं हुआ है। चल भाई अब तू झूठ मत बोला भाई, रहन दे सब आता है तुझे, सारे सॉल्यूशन भेज व्हाट्सएप पे जल्दी से। हाँ हाँ चलो भेजता हूँ। सुनना बेबी, कल तो जो एग्ज़ाम है ना, तो मेरी तैयारी तो हो नहीं पाई, कल दोस्त के साथ चल गया था, तो तेरी हेल्प चाहिए थी। एक काम कर सकती हो क्या, कल थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना और थोड़ा लेफ्ट होके लिखना, बाकी तो आई विल मैनेज यार। बेबी मेरा रिचार्ज करा दो ना। तू रिचार्ज की बात करती है, तेरे लिए तो पूरा एक जियो सिम ले आऊंगा यार। और हाँ सुनना, शाम को कल मूवी देखने चले गया? कौन सी मूवी? अरे वही कोई हॉरर चलते हैं। नहीं यार, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है। इसीलिए तो तुझे ले जा रहा हूँ यार, मुझसे लिपट जाइयो। अरे मुकुल, अबे मुकुल, अबे कल तक कैसे पार करना है यार? अबे तेरी भाभी से बात हो चुकी है यार, प्रोफेसर के फर्स्ट बेंच में ना बैठा दे। अबे तेरे को तो फर्स्ट बेंच पर बैठाता है यार, हम जैसे को तो सारा अपने ही बेंच पर बैठा देता है। अच्छा वो सब छोड़ यार, नोट्स का क्या किया? अबे यार विकिपीडिया है ना, सर्च कर लो यार, सारे नोट्स उसमें मिल जाएंगे। अबे नेट का तो बात ही मत कर यार, सारे एक बार बोलता हूँ तो 4 टैब एक साथ खुल जाते हैं, यूट्यूब फेसबुक ट्विटर। अबे ये सो रहा है? अबे नवीन क्या निश्चिन है तेरा? अबे छोड़ना है, बैग तो लगना ही है। अरे चल भाई चलते हम। उफ भाई सिर्फ 8 घंटे बचे एग्जाम में, अब कुछ प्रिपरेशन भी नहीं हुआ। अगर से अभी से 2.5 घंटे हर पार्ट को पढ़ लूँ तो 1/2 घंटे बचेंगे रिवीजन के लिए। कुछ नहीं तो 65 नंबर का तो बना ही लेंगे एग्ज़ाम में, 65 में से 45-50 तक आ जाएगा। 45-50 चलो कोई नहीं, एक बार निकाल लेते हैं, पास हो जाता हूँ एंड चल में पार दूंगा। अबे नवीन क्या कर रहा है यार, बीएस ग्रेवाल से सारा सिलेबस बना लिया? अबे कौन है यार, क्या है यार, मैथ्स में इतना चिल मार रहे हो यार, क्या कर रहे हो ये? इतना चिल मारोगे तो कैसे चलेगा, एससी ना के भी नोट्स कर लिए होगे तुम तो। अबे कौन है यार, क्या है यार? अबे एससी ना अपना प्रोफेसर मैथ्स का। ओ ऐसा है क्या? अबे आ गया यार, कल का पेपर आया क्या? अबे नहीं बे, निकिता का मैसेज आया यार। अबे कुछ पढ़ लो यार, कुछ पढ़ लो। अबे छोड़ना है, बैक तो लगना ही है। अबे इतना क्या मेहनत करना, अबे देख तू कॉलेज में आया समझा,
अब तेरे को यहाँ पे आके पता चलेगा पूरा हिसाब कि कितना पढ़ाई करना पड़ता है। तू पढ़ यार, मेरे को नहीं पढ़ना, समझा? हमसे नहीं हो पाएगा। अरे जाओ यार, मैं ही यार पढ़ते। Who